एंड आई होप पीपल फील बेटर. सिचुएशन जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और हम लोग फिर खेलें, फिर मिलें. ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, उसके साथ रह के ही चलना पड़ेगा आगे. बट आई थिंक सबका एक स्लो प्रोसेस है जो हम लोग भी बहुत रिस्पेक्टफुली फॉलो कर रहे हैं और बहुत जरूरी भी है क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग कोई भी इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते. बट धीरे धीरे हमारा जो केसेस का रेशियो है डबल होने का, वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है. तो अच्छा, ठीक चल रहा है अभी. और उससे ज्यादा हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इस टाइम पे क्योंकि एवरी डे आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसा अनफोल्ड हो रहा है. बट सो फार इट्स फाइन. यस, टू टेक केयर ऑफ पीपल हु आर नॉट गेटिंग फूड एंड बेसिक नेसेसिटी ऑन अ डेली बेसिस. सो नाउ दैट यू नो परमिशंस आर कमिंग बैक स्लोली, धीरे धीरे जो जो परमिशन आ रहा है, जैसे उनको ट्रैवल प्रोवाइड करने का जो इनके पास नहीं अपॉर्चुनिटी था, तो बहुत लोग आगे आ रहे हैं हेल्प करने के लिए. उसके साथ खाना भी भेजा जा रहा है और हम लोग भी इसी प्रोसेस में है कि यू नो किसी तरीके से उनको हेल्प करी जा सके. और बस वही सबका फोकस वही है क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में एक भी अगर सेक्शन को देखते हैं सफर करते हुए, तो कुछ ना कुछ करके सबका अटेंशन उधर चला जाता है हेल्प करने के लिए. और आई थिंक हमारी कंट्रीज का, हमारी कम्युनिटीज का यही एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, मदद करने के लिए जाते हैं. तो आई अग्री, दोनों कंट्रीज में ये फैक्टर बड़ा है और उनकी वजह से ही हमारी स्ट्रेंथ बनी रहती है कंट्री की. तो उनका हेल्प करना बहुत जरूरी है, आई एग्री. कभी ऐसा मौका मिलता नहीं है बैठ के बात करने का इतना लेंथ में, और अभी ऐसे टाइम पे कर रहे हैं जहाँ पे और लोग भी सुन सकते हैं, तो अच्छा है, अच्छा है. इट्स ऑलवेज नाइस टू टॉक एंड शेयर. व्हेन यू कम टू इंटरनेशनल क्रिकेट, जब आप खेलने आते हो और सबके सबके अंदर डाउट होता है कि कैसे करियर बनाएंगे, कैसे आगे जाएंगे. मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक सीरीज खेलने के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था कुछ टाइम के लिए. उसके बाद 2009 ट्रॉफी में मुझे कमबैक एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो उसमें दो तीन मैचेस थे जिसमें मैंने अच्छा किया. एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला, वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ. बट जब फर्स्ट सेंचुरी बनी श्रीलंका के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहां से मुझे फील होना शुरू हो गया कि आई कैन यू नो डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं ये लंबे समय तक मैं इंडियन टीम के लिए खेल सकता हूँ क्योंकि नंबर थ्री पे एज ए यंगस्टर आप जब आके परफॉर्म करते हो तो, और प्रेशर मैच में, चेजिंग सिचुएशन में, तो ये मैच सिचुएशन में ही परफॉर्मेंस करके चेंज हो सकता है आपका माइंडसेट. लेकिन वो परफॉर्मेंस करने के लिए भी आपका एक प्रिपरेशन जरूरी होता है, आपका एक माइंडसेट जरूरी होता है कि अगर एज ए यंगस्टर भी मैं जा रहा हूँ मैच में, जो आजकल भी जो हमारी टीम में भी यंगस्टर हैं उनसे मैं यही बात करता हूँ रेगुलरली कि ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाले प्लेयर ने 150 मैच खेला है, 200 मैच खेला है. अगर आपका माइंडसेट उस दिन पे अच्छा है तो आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप मैच जिता सकते हो, चाहे आपका वो दूसरा मैच है या थर्ड मैच है, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो ये मैं हमेशा से सोचता था, अगर मोर एक्सपीरियंस प्लेयर आउट हो गया तो मैं ऐसा नहीं फील करता था कि अब मुझसे कैसे होगा. मैं उसको अपॉर्चुनिटी देखता था कि अगर वो नहीं कर पाया और मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कर सकता. तो आई थिंक अपने अपनी एबिलिटी में एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है और आप किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट वे में देख सकते हैं. अगर दूसरे लोग उसको नहीं देख पा रहे पॉजिटिवली और आप देख पा रहे, तो आपका परफॉर्मेंस डिफरेंट होगा, आप मैच जिता सकते हैं. तो ये चीज जो कि मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहा और वहां से फिर क्योंकि आपका एटीट्यूड सही होगा गेम की तरफ तो गेम आपको रिजल्ट देगा, उसमें परफॉर्मेंस होता रहेगा अपने आप, अच्छी बात है. बट टीम को जिताना मेरा मेन एम रहता था हमेशा से. आई मीन आई चेंज्ड बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू प्ले ऑल ओवर द ग्राउंड. और उसके लिए आई फेल्ट कि जो स्टैटिक पोजिशन में खड़ा होना स्टांस में, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं इट वॉज यू नो मेकिंग माई ऑप्शन लिमिटेड, कि एक तरीके से ही मैं गेम को खेल पा रहा था. बट जब बैक एंड अक्रॉस, मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बैटिंग का हमेशा ये रहा है कि जब तक आपका हिप्स बेस्ट पोजीशन में है मूव करने के लिए, आप कोई भी पोजीशन में आके अपना फीट मूव करके शॉट एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगा कि स्टैटिक पोजीशन में मेरे स्टाइल ऑफ प्ले के लिए वो नहीं काम कर रहा था. बट बहुत बहुत लोगों के लिए काम करता है. सचिन तेंदुलकर बिल्कुल स्टैटिक होके खेलते थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ.
उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेक्निक बहुत सुपीरियर था, तो मुझे अपनी गेम के हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस आने पड़े और थोड़ी थोड़ी चीजें ट्राई करनी पड़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, और ट्राई करे बिना मुझे पता नहीं चलता। तो वो मैं एक जरूर चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी गेम में कुछ ट्राई करना चाहिए तो जरूर उसको करें और प्रैक्टिस में करें, और मोर इम्पोर्टेंटली एक या दो मैच में जरूर जाके करें, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रैक्टिस में आप कितना भी ट्राई कर लें बट एक मैच प्रेशर सिचुएशन में जहां आप आउट भी हो सकते हैं, जहां सिचुएशन भी कंट्रोल में नहीं रहता है, प्रेशर भी है ऑपोजिशन का, एक मैच भी फंसा रहता है, कभी आपको अच्छा एक इनिंग खेलना है, उस टाइम पे अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा यह मानना है कि प्रैक्टिस आपको एक अश्योरेंस देता है कि आप रेडी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो ऊपर जाता है वो मैच सिचुएशन में परफॉर्मेंस करके ही जाता है। और जो चेंजेस हैं अपनी बैटिंग में वो भी मैं करता हूँ कि आप अगर मैच में एक बार दो बार ट्राई करोगे और वो अगर इट ओपन्स अप, अगर उसमें परफॉर्मेंस हो गया तो आपका एक नया एक ऑप्शन खुल जाएगा बैटिंग। मुझे जो जो बताने वाले लोग थे उन पे मेरे को ट्रस्ट रहता था कि अगर कोई सामने से देख के बोल रहा है कि आप ये करोगे तो ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो मुझे रहता था कि यार एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसमें लकीली ऐसा हुआ कि पहले एक दो बार में एकदम ऐसे शॉट्स लगने शुरू हो गए जो पहले मैं नहीं सोच सकता था कि एग्जीक्यूट होंगे, तो फिर आपका बिलीफ बढ़ जाता है कि नहीं एक तरीके से नहीं खेलना है, आपको हमेशा अपना जो दिमाग खुला रखना है, चीजों को समझना है, चीजों को सीखना है। और एक एक तरीके से अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत देखता हूँ कई प्लेयर्स, कई प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम में अगर ऑपोजिशन आपको फिगर आउट कर लेगी तो आपको गेम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तो वैसे ही आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ओपन रहना चाहिए, आपको किसी भी बैट्समैन को ओपन रहना चाहिए चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। आप करके जरूर देखो, अगर नहीं काम करता है तो आप वापस बोल सकते हो कि नहीं आई थिंक मैं अपने तरीके से आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड, बट अगर इफ इट वर्क्स देन यू अंडरस्टैंड कि जो भी टीम एनवायरनमेंट में है, जो कोचेस है, जो भी है, वो सब आपके भले के लिए बोल रहा है, आपके फायदे के लिए बोल रहा है ताकि टीम को फायदा हो सके। डिपेंड्स, आई मीन अगर आई फील बहुत डिफरेंट तरीके से, मेरा एक सेट पैटर्न नहीं है प्रिपरेशन का, द ओनली सेट पैटर्न आई हैव इज विद फिटनेस एंड माय डाइट, क्योंकि वो एक चीज है जो कभी भी हाउ डू आई पुट इट, मतलब एक वो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग और आपका डाइट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी बेस्ट शेप में है और आप मेंटली अच्छा फील कर रहे हो, बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, तो यू कैन गो आउट एंड यू कैन बी एट योर बेस्ट एवरी टाइम। बट बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जब इतना अच्छा बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा बैटिंग करने को और अपने से दिल करता है कि यार मुझे और सेशन करना है, मुझे अनटिल यू गेट दैट वन सेशन। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बोल सकता हूँ कि एक ही चीज अपने आप को बोलना है कि नहीं आई एम गुड इनफ एंड आई विल गो इन टू द नेट्स, वर्क इवन हार्डर टिल आई गेट माई फ्लो, देन आप देखोगे कि आप, हम क्यों बोलते हैं कि एक इनिंग के बाद ऐसा लगता है कि मैं क्या सोच रहा था, यू नो व्हाट वाज आई थिंकिंग, मैं इतना नेगेटिव क्यों सोच रहा था। तो जो वॉइसेस है वो दोज आर नेवर रियल एंड आई होप पीपल फील बेटर, सिचुएशन जल्द से जल्द अच्छा हो जाए और हम लोग फिर खेलें, फिर मिलें और लोग भी एंजॉय करें क्रिकेट फिर से, बट फर्स्टली सिचुएशन सबका बेटर हो जाए, मैं यही प्रे करता हूँ सबके।